चल भाई छोड़ो, यहाँ से बोला ऐसे ये हैंड ओपन करो, जोड़ो भाई क्या बताऊँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं हूँ देहरादून, तो देहरादून से मैं जा रहा हूँ मंसूरी, तो आपको दिखाऊंगा कि मंसूरी में क्या क्या देखने लायक जगहें हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको मंसूरी के बारे में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए व्लॉग में। ये रेलवे स्टेशन के पास में ही बस स्टैंड है जहाँ पे आपको बस मिल जाएगी मंसूरी के लिए, तो और यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। तो गाइज फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ मंसूरी, तो अभी दिखाऊंगा आपको जो जो यहाँ पर अच्छी साइट्स हैं। मसूरी आने के बाद अगर आपको नाश्ता वगैरह करना है तो आप यहाँ से पराठे खा सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे पराठे मिलते हैं यहाँ पर। तो भाई जो जो घूमने की यहाँ पर जगहें हैं उनके यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। तो जहाँ बस रुकती है वहाँ से थोड़ी ही दूर गांधी चौक है, ये देखो। तो ये भी जगह लोकेशन बहुत अच्छी है फोटो वगैरह खींचने के लिए, ये देखो। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग फोटो खींचते हैं अपनी, और पास में ये गुरुद्वारा भी है भाई। तो भाई देखो इस लोकेशन का व्यू कितना अच्छा है। और इसके जस्ट सामने एक छोटी सी मार्केट है जहाँ हमारी बस रुकी थी, वहाँ से कैंपटी फॉल पड़ता है 14-15 किलोमीटर। तो अभी देखते हैं कैसे जाना है वहाँ पर, या तो स्कूटी रेंट पे लेकर या फिर टैक्सी वगैरह लेकर वहाँ जाना पड़ेगा। ये जो एरिया है इसे बोलते हैं माल रोड, और यहाँ आप स्वेट शर्ट, जैकेट, कैप्स, जूते और ये सब खरीद सकते हैं यहाँ पर। पर भाई एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ के प्राइस भाई कानों के हाथ लगवा देते हैं, इतने प्राइस बोलते हैं। शोरूम वाले सस्ते मिल जाएंगे चीज़ें आपको, लेकिन यहाँ पे महंगे मिलेंगे। तो भाई स्कूटी ले ली है रेंट पर। तो दोस्तों ये पूरा प्लेस विजिट करने के लिए हमने स्कूटी रेंट पे ली है। तो दोस्तों अभी चल रहा है फेस्टिवल सीज़न, इसलिए स्कूटियाँ बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल रेट पर मिल रही हैं, 2500-3500 और भी महंगी मिल रही है। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ कैंपटी फॉल, और रास्ते में जो जो अच्छे प्लेसेस आएंगे वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग के अंदर। का व्यू देखो भाई, पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखो ये सभी गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये देखो भाई पहाड़ क्या ही नज़ारा है देखो दोस्तों। भाई कैंपटी फॉल जाते टाइम आपको रास्ते में बहुत सारी ऐसी ऐसी दुकानें मिलेंगी जहां पर आप कुछ भी खाना पीना चाहते हो तो वहां से आराम से खा सकते हो। और भाई आसपास का व्यू बहुत ही ज़्यादा औसम है, और ये देखो सारी गाड़ियां वगैरह कैंपटी फॉल ही जा रही है। और यहां पर बहुत रेस्टोरेंट मिलेंगे भाई आपको, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर पंजाबी रेस्टोरेंट करके, तो रास्ते में बहुत सारे रेस्टोरेंट आएंगे ऐसे। ये अभी कैंपटी फॉल पहुंच चुके हैं, कैंपटी फॉल के पास ये है पेड़ पार्किंग, तो यहाँ पर मैंने अपनी स्कूटी लगा दी है। तो दोस्तों पार्किंग के लिए इसने 50 रुपये, और ये देखो आसपास का व्यू देखो दोस्तों कितना अच्छा है, और ये पानी बहकर आ रहा है यहाँ पर पहाड़ों से। और भाई ये देखो कितनी अच्छी साइट है, ये नीचे भी स्विमिंग पूल वगैरह बने हुए हैं दोस्तों, ये देखो कैंपटी फॉल के पास, ये भी बहुत अच्छा व्यू है। ये देखो भाई ये है मेन रास्ता कैंपटी फॉल का, ये जा रहा है कैंपटी फॉल। भाई कैंपटी फॉल के पास की मार्केट, बिल्कुल पास के मार्केट, और भाई बहुत अच्छी मार्केट है सच में, मतलब मन लग रहा है भाई यहाँ पे। एक तो मौसम भी
पूरा खतरनाक वाला हुआ पड़ा है दोस्तों। तो भाई कैंपटी फॉल जाने के लिए ना दो तरह के रास्ते हैं, एक तो पैदल जिसपे मैं चल रहा हूँ भाई, एक रोप वे है, रोप से मतलब डायरेक्ट कैंपटी फॉल जाना। तो भाई ये पैदल रास्ते पे जो मार्केट है ना वो है, ये देखो भाई ये रास्ता जाता है कैंपटी फॉल को, और बस कुछ ही दूरी पर अभी कैंपटी फॉल आने वाला है, आपको दिखाता हूँ। भाई एक बात आपको बताना भूल गया मैं, जो मैं ऊपर पार्किंग से आपको दिखा रहा था ना कि झरना बह रहा है और कुछ नीचे स्विमिंग पूल टाइप लग रहा है, तो दोस्तों वो कैंपटी फॉल ही था। और नीचे मैं दिखाता हूँ आपको व्लॉग में कि क्या कुछ है यहाँ पर। और भाई ऐसे ऐसे आपको छोटे छोटे मैगी पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पर आप आराम से बैठ के मैगी खा सकते हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये है भाई कैंपटी फॉल, देख लो। ये देखो भाई ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है और लोग नहा रहे हैं, ठंड में भी नहा रहे हैं भाई। ये देखो भाई यहाँ पर नहाने के लिए कपड़े किराए पर मिलते हैं भाई, कच्चे कुच्छे ना यहाँ पर भाई किराए पे मिल जाते हैं। और ये लॉकर वगैरह है देखो भाई, अगर कोई सामान वगैरह लेके आए हो ना आप तो जमा करा सकते हो। और भाई आपके पास अगर एक ही कच्चा है ना कि वो भीगने का डर है, तो यहाँ पे कच्चा भी किराए पे मिल जाएगा, कहने का ये मतलब है भाई। ये है 360 डिग्री व्यू ऑफ कैंपटी फॉल, ये देखो। तो ये था भाई कैंपटी फॉल, अगर कोई और अच्छी जगह हुई ना तो दिखाऊंगा मैं आपको व्लॉग में। वो देखो भाई यहाँ पर कुछ कुछ गेम्स एंड एक्टिविटीज भी हो रही हैं, यहाँ पर एक स्विमिंग एडवेंचर पार्क भी है जो ऊपर से दिखाया था भाई। सीरियसली बहुत अच्छा प्लेस है, आपको विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों ये है वो रोप, रोप के साथ आते हैं ना नीचे कैंपटी फॉल की तरफ, और ये देखो भाई एक जना कैसे उड़ के जा रहा है शक्तिमान बन के, ये झूले झूल रहे हैं भाई हवा में। पास में मैगी पॉइंट है, तो भाई फुल पैसा वसूल है, आपको आना चाहिए, आसपास पहाड़ है। ये देखो भाई ये है वो रस्सी जिसपे लोग शक्तिमान बनते हैं, उधर जाके फिर इनको उतार लिया जाता है और यहाँ से शक्तिमान बन के जाते हैं लोग। भाई किस तरह झूले झूलने लग रहे हैं पहाड़ों में, भाई पूरा ब्रेथ टेकिंग माहौल है। भाई मैं भी ये ट्राई कर रहा हूँ, बाबा बोला मेहर करिए। ये नीचे की डेप्थ बहुत ज्यादा है ना, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ट्राई कर रहा हूँ भाई देखो। चल भाई छोड़ो यहाँ से, बोले ये हैंड ओपन करो, चलो जय भोले शंकर की। ओ भाई बहन चो, भाई क्या बताऊं, भाई रोकना, ओ भाई क्या था ये, मजा आ गया भाई मजा। तो दोस्तों आप भी कैंपटी फॉल आ सकते हैं, और ये देखिए पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पर आप भी मेरी तरह बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, यहाँ पर स्विमिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, और ये रोप क्लाइंबिंग और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर करने को। तो आप कैंपटी फॉल आए और ट्रिप का एंजॉयमेंट लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।